नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। दरअसल सितंबर 2022 तिमाही के नतीजे के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज गोल्डमैन ने टेलीकॉम कंपनी के शेयर में बिकवाली की सलाह दी है। साथ ही गोल्डमैन ने टारगेट प्राइस 2.6 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये पर शेयर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया के दूसरे तिमाही के नतीजे बहुत ही ज़्यादा बेकार रहे हैं। दरअसल दूसरे तिमाही में नेट लॉस वोडाफोन आइडिया का बढ़कर 7,585 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले बार ये घाटा 7,132 करोड़ रुपए था। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वोडाफोन आइडिया का घाटा 4.1% बढ़ा है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के दूसरे मेन मैट्रिक्स जैसे कि रेवेन्यू, EBITDA, ARPU और 4G सब्सक्राइबर बेस में ग्रोथ दिखी है। वोडाफोन आइडिया की सेवाओं के जरिए इनकम 22-23 की दूसरे तिमाही में 12% बढ़कर 10,614 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 9,406 करोड़ रुपए था। दोस्तों, कंपनी की ARPU ईयरली बेसिस पर 19.5% बढ़कर 131 रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि टेलीकॉम कंपनी के ग्राहकों की संख्या बीते तिमाही में घटकर 23 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 24 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, कंपनी के 4G सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 12 करोड़ हो गई है। दोस्तों, ये सब जो आंकड़े हैं वो तो सही हैं, लेकिन कंपनी का जो लॉस है वो 4% बढ़ा है, जो कि चिंता बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि गोल्डमैन ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को बेचने की सलाह दी है और ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 2.6 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये कर दिया है। और दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के इस घाटे के बाद हमें वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर में कितने का लॉस या फिर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।